गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग काफी सारे कमेंट्स कर रहे थे रिगार्डिंग नेवी चिल्ड्रन स्कूल वैकेंसीज की। हमारा एग्जाम जो है 8 जून को होने वाला है फॉर ऑल द पोस्ट। उसका एग्जाम कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? सो एज यू सेड, आप लोगों ने ही बताया है कि आप लोगों को जो ईमेल रिसीव हुई है वो ओएमआर बेस्ड हुआ है। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे इट विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। देन सिलेबस क्या होगा, चाहे आप केजी टीचर हैं, जो भी, चाहे आप प्राइमरी टीचर हैं, चाहे आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, सी आपने जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोगों ने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है या बीएलएड किया है, जो भी कोर्स आप लोगों ने एनटीटी किया है, बीएड इन नर्सरी किया है, जो भी आप लोगों ने अपनी टीचिंग कोर्स के अंदर जो भी कंटेंट पढ़ा था, उस कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूम टैक्सोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट, लेसन प्लानिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लानिंग, साइकोलॉजी, कौन से वाले साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी साइकोलॉजी दी, ये सब पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। देन प्ले वे मेथड जो हो गया बच्चों को पढ़ाने का, इस मेथड से मे बी कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा उसमें आप किसको कैसे पढ़ाएंगे, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आप हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपको इसके क्वेश्चन, जितने भी एजुकेशनल एक्ट्स आए हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।